नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे पोर्टोनिक्स के दो बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स। तो पहला दोस्तों, एक ये मोबाइल चार्जर है पोर्टोनिक्स का, और ये थोड़ा नॉर्मल नहीं है, थोड़ा स्पेशल मोबाइल चार्जर है। आगे आपको बताऊंगा इसमें क्या खास बात है। और दूसरा दोस्तों है कि ये वायरलेस माउस। दोनों ही चीज़ें दोस्तों आपको 500 की प्राइसिंग में मतलब मिल जाएगी, 500 के अंदर अंदर, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं इन दोनों चीज़ों को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों ये चार्जर चेक कर लेते हैं। तो ये है पोर्टोनिक्स का फास्टर स्मार्टर चार्जर, और यहाँ पे इसकी इमेज दे रखी है ऐसे कुछ इसका डिज़ाइन है। बैक साइड प्राइसिंग देखिए तो 799 प्राइसिंग दे रखी है, बट ये आपको 500 के आसपास मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने। तो इसमें आप दोस्तों टाइमर सेट कर सकते हो, दो USB आउटपुट इसमें आपको मिल जाती है, और 3.1 एम्पियर की आपको करंट आउटपुट मिलती है। इंटेलिजेंट चिप का इसमें यूज़ हो रखा है, सारी प्रोटेक्शन वगैरह भी इसमें आपको वैसे मिल जाती है। 1 मीटर की माइक्रो USB केबल इसमें आपको मिलती है बॉक्स में, तो ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको मिलेगी। और यहाँ पे केबल है और ये चार्जर है। तो चलिए देखते हैं इस चार्जर को। तो दोस्तों यहाँ पे एक बटन दे रखा है, बैक साइड देखोगे आप तो इसमें लिखा हुआ 1, 2, 3, 4। तो इस बटन को प्रेस करके आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का टाइमर सेट कर सकते हो। और यहाँ पे 2 USB आउटपुट्स आपको मिल जाती है चार्जिंग के लिए। आउटपुट देखें तो 5 वोल्ट 3.1 एम्पियर की आपको इसमें टोटल आउटपुट मिलती है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग तो ठीक ठाक है। और ये केबल मिलती है आपको, देखिए माइक्रो USB केबल है, अच्छी क्वालिटी की केबल है, और ये 1 मीटर की केबल है, काफ़ी लंबी है, काफ़ी अच्छी खासी इसकी लेंथ है। बट ये माइक्रो USB केबल है, अगर टाइप सी मिलती तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कि इस चार्जर को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने केबल कनेक्ट कर देनी है इसमें। जब आप बटन प्रेस करोगे तो देखिए यहाँ पे लाइट ऑन होगी, एक लाइट ऑन हुई है, इसका मतलब 1 घंटे का टाइमर सेट हो चुका है। और दोबारा अगर आप इसे प्रेस करोगे, यहाँ पे अंधेरा करूँगा तो आपको लाइट अच्छे से दिखेगी, देखिए अच्छे से ब्लिंक हो रही है, दिख नहीं रही है ये, क्लोज कर देते हैं। और ये देखिए 2 लाइट्स यानी कि 2 घंटे का टाइमर सेट हो चुका है। दोबारा प्रेस करेंगे तो देखिए 3 लाइट्स यानी कि 3 घंटे का टाइमर सेट हो गया है। और दोबारा प्रेस करूं तो यानी कि 4 लाइट्स यानी कि 4 आवर्स तक का इसमें टाइमर सेट हो गया है। दोबारा प्रेस करोगे तो लाइट्स ऑफ हो गई, यानी कि चार्जर अभी स्विच ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे आप इसमें बटन प्रेस करके 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे तक का टाइमर इसमें आप सेट कर सकते हो, और टाइम कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली चार्जर स्विच ऑफ हो जाएगा। और इसकी जो लाइट्स हैं दोस्तों, ये ब्रीदिंग लाइट्स हैं, धीरे धीरे स्लोली ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, बट ये कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। थोड़ा क्लोजअप भी अगर आप देखोगे तो ये कैसे ब्लिंक हो रही है, बट एक्चुअली ये ऐसे ब्लिंक नहीं हो रही है, एक्चुअल में ये थोड़ी ब्रीदिंग लाइट जैसा चल रही है, स्लोली ऑन ऑफ होती रहेगी लाइट्स। और जैसे जैसे टाइमर कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे एक एक करके लाइट जो है वो स्विच ऑफ होती जाएगी। और जैसे ही टाइमर कंप्लीटली पूरा हो जाएगा, चार्जर जो है आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 डिवाइस आपको चार्जिंग पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ, 2 फ़ोन्स हमने लगा दिए हैं। तो जब तक आप बटन नहीं प्रेस करोगे, देखिए आपका डिवाइस चार्ज होना स्टार्ट नहीं होगा। तो दोनों फ़ोन देखिए अभी चार्ज हो रहे हैं। तो ऐसे आप 1 घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे तक का टाइमर लगा सकते हो। लाइट्स अगर ऑफ है तो आपके फ़ोन जो है वो चार्ज नहीं होंगे, तो आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा चार्जिंग स्टार्ट करने के लिए। तो इससे क्या है कि आपका जो डिवाइस है वो ओवर चार्ज नहीं होगा, और जैसे ही इसका टाइमर कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो चार्जर है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है और आपका डिवाइस जो है वो भी ओवर चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा चार्जर। तो इसके बाद है दोस्तों पोर्टोनिक्स का वायरलेस माउस। तो ये काफ़ी अच्छा माउस है, कॉम्पैक्ट है और काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी सारे डिफरेंट कलर ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, यहाँ पे प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है। 350 रुपये यानी कि 350 रुपीज़ के आसपास ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक यूज़र मैनुअल आपको मिल जाती है, इसमें इंग्लिश में है, और ये है हमारा माउस। तो देख सकते हो आप काफ़ी गुड लुकिंग है, कलर ये है सी ग्रीन है, बट ये आपको ब्लैक में या येलो में या काफ़ी सारे कलर ऑप्शन में आपको मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग लेके तो कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस माउस की, और ओवरऑल इसका साइज़ भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और यहाँ पे देखें तो 1 सेल डालना है आपने इसमें, यहाँ पर ये देखिए, और आपको यहाँ पे रिसीवर मिल जाता है जो कि माउस के अंदर ही लग जाता है। यहाँ पे आप इसे रख सकते हो, स्लॉट दे रखा है इस रिसीवर को रखने के लिए। तो चलिए इसमें सेल डाल देते हैं। सेल आपको साथ में नहीं मिलेगा, बात यह है सेल आपको अपना अलग से यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हमने सेल अभी डाल दिया है। तो यहाँ पे जस्ट आपने इसको, ये जो रिसीवर है इसको प्लग इन कर देना है डिवाइस में, जिसमें भी आपको माउस यूज़ करना है, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, या आप इसे स्मार्ट टीवी में भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है। तो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो जस्ट आप इसे प्लग इन करोगे तो ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं है, प्लग एंड प्ले है। तो एक बार ड्राइवर इंस्टॉल हो गए तो आप इस माउस को यूज़ कर सकते हो। देखिए अभी ये इंस्टॉल हो चुका है,
तो अभी आप देख सकते हो ये माउस अच्छे से काम कर रहा है, इसके क्लिक्स वगैरह काफ़ी स्मूथ है, रोलर वगैरह काफ़ी स्मूथ है, और इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये माउस मुझे लगा, देखने में भी काफ़ी अच्छा है। इसमें बैक साइड को LED नहीं दे रखा है जैसे कि रेड कलर का LED होता है माउस में मोस्टली, तो इससे क्या है कि इसकी जो लाइफ है बैटरी की वो काफ़ी बढ़ जाती है, जल्दी बैटरी जो है इस माउस की नहीं ख़त्म होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, वायरलेस माउस में बैटरी काफ़ी दिन तक चलनी चाहिए, तो ओवरऑल अच्छा माउस है। तो मैं आपको अभी स्मार्ट टीवी में चला के दिखाता हूँ। देखिए तो स्मार्ट टीवी अगर आपके पास है तो आपने USB पोर्ट में जो रिसीवर है ये प्लग इन कर देना है। देखिए मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो बस दोस्तों आपको ये जो रिसीवर है ये USB स्लॉट में प्लग इन कर देना है अपने स्मार्ट टीवी में, और अब आप देखिए दोस्तों इस स्मार्ट टीवी को आप कंट्रोल कर सकते हो इस वायरलेस माउस के थ्रू। ये देखिए आप कर्सर देख सकते हो आप स्क्रीन पे, जैसे कि लैपटॉप में या कंप्यूटर में आता है कर्सर, तो वैसा ही अभी हमारे स्मार्ट टीवी पे आ रहा है। तो अब आप बहुत इजीली नेविगेट कर सकते हो अपने स्मार्ट टीवी को इस माउस को यूज़ करके। अगर आपके स्मार्ट टीवी का रिमोट ख़राब हो गया है या मतलब गुम हो गया है या आपके पास रिमोट नहीं है स्मार्ट टीवी का, तो आप इस माउस को यूज़ करके अपना स्मार्ट टीवी चला सकते हो। YouTube चलाना है या कोई और एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखी है, Netflix वगैरह चलाना है, तो वो आप इस माउस को यूज़ करके बहुत अच्छे से इजीली चला सकते हो इस कर्सर के थ्रू। कर्सर के थ्रू क्या है कि चीज़ों को सेलेक्ट करना इजी हो जाता है, और आप राइट क्लिक से दोस्तों बैक कर सकते हो और लेफ्ट क्लिक से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी चीज़ आपको सेलेक्ट करके प्ले वगैरह करनी है, तो आप लेफ़्ट क्लिक से कर सकते हो, लेफ़्ट के अलावा राइट से आप बैक कर सकते हो, और आप रोलर को भी यूज़ करके काफ़ी ईजिली ऊपर नीचे कर सकते हो मेन्यू को। तो बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हो इस माउस को अपने स्मार्ट टीवी में भी, लैपटॉप में भी और डेस्कटॉप में भी, और मतलब मल्टी यूज़ होगा और प्राइसिंग भी ज़्यादा नहीं है, 350 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। स्मार्ट टीवी में भी यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप में भी और डेस्कटॉप में भी। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें हैं पोट्रोनिक्स की, 500 की प्राइसिंग में दोनों ही आपको मिल जाती है। ये है चार्जर जिसमें आपको टाइमर मिल जाता है, और ये है माउस जिसे आप स्मार्ट टीवी में भी यूज़ कर सकते हो। दोनों की बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, और डेफिनेटली आप दोनों ही चीज़ें परचेस कर सकते हो दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।